अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन सनास किचन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चिकन तवा बोटी। बहुत ही ज़बरदस्त सिंपल सी इजी रेसिपी के साथ है। मुझे इसकी तैयारी में 10 मिनट लगे थे और इसको कुक करने में 7 से 8 मिनट लगे थे, तो टोटल 20 मिनट्स में मेरी चिकन तवा बोटी रेडी हो गई थी। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg चिकन। मैंने होल चिकन लिया है और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तमाम बोटियों का साइज़ छोटा रखा है, एक जैसा रखा है, ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए, क्योंकि तवे पे हम बना रहे हैं तो हमें इसे जल्दी कुक करने के लिए इसके साइज़ को हमने छोटा कर दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 tablespoon के करीब। इसे डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप 1 घंटे के लिए नहीं रख सकते तो कम अज़ कम 1/2 घंटे के लिए ज़रूर रख दें। 1/2 घंटे बाद मैंने तवा लिया। हमारे घर में जो तवा यूज़ करती हूँ वो थोड़े से ऑलरेडी भरे साइज़ का है। इस पर 1/4 cup मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ, वो डाला। अगर आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। मैरिनेट किया हुआ चिकन तवे पे निकाल लिया सारा और इसको इतना कुक करना है कि ये वाइट हो जाए। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा है, लो फ्लेम पर कुक नहीं होगा क्योंकि ये जल्दी से कुक हो जाएगा। ओवर कुक नहीं करना है आपने इसको। जैसे ही चिकन वाइट हो जाएगा मैं इसमें मसाले डालना स्टार्ट कर दूंगी। चिकन वाइट होने पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक 1/2 teaspoon, काला नमक 1/2 teaspoon, कुटी लाल मिर्च 1/2 teaspoon, हल्दी 1 teaspoon, पिसा हुआ ज़ीरा 1 teaspoon, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 teaspoon। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने 4 अदर टमाटर लिए, इसको विदाउट पानी मैंने पेस्ट बना लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है। और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसे लिड लगाकर कुक होने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए रख दूंगी। अगर आप देख लें चिकन डन हो गया तो आप इससे पहले भी इसको कर सकते हैं। चिकन डन हो जाए और पानी खुश हो जाए तो इसमें मैं डाली हूँ 1 tablespoon बटर, ताज़ा धनिया, 1/2 teaspoon कुटी लाल मिर्च, सॉरी कुटी काली मिर्च, और 1/2 teaspoon पिसा हुआ गरम मसाला डाल के अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैंने मेजरमेंट्स के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, आप वहाँ से नोट डाउन कर लें। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसे बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं। उसमें ये होगा कि कुकिंग टाइम थोड़ा और कम हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर बोन्स के साथ चिकन लिया था क्योंकि इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। एंड में मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और प्याज के साथ गार्निश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त चिकन तवा रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मुझे इसका फीडबैक भी दें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।